देखिए दोस्तों, अब कोई भी सामान बिकने लगा है, पत्ता से लेकर कचरा तक बिकना चालू हो गया। पूरा वीडियो को देखिए। फूलों की मंडी, जहां बिकती है धूल से लेकर फूल, हर वो चीज जो आपके घरों के आसपास पाई जाती है, जिनमें नीम के पत्ते, आक के पौधे, कई तरीके के झाड़, धतूरा और भी बहुत कुछ। दोस्तों आज हम आए हुए हैं नीमच, चलिए जानते हैं। हाँ मासा, क्या चीज लेके आई है? निमड़ा, नीम के पत्ते। हाँ जी। क्या भाव बिका है? 2200। 22 रुपए किलो। और ये कितना टाइम लगा इकट्ठा करने में? 8 दिन। मुकेश, क्या चीज है ये? बैड़ा। ये कहाँ पे लगता है? ये पेड़ पर, बड़ा पेड़ रहता है इसका। नहीं नहीं, ऐसे उगता है तो आप इसको बीन के ले आते हैं? बीन के लाते हैं। ये करीबन 15 पौधा का होगा। ये बिका है 1105। 11 रुपए किलो। हाँ, को करीबन 15 दिन लगा। 15 दिन में इकट्ठा किया? हाँ। ये आंकड़े फूल है, मतलब जो आग के आपके अपने आसपास जो भी फूल पत्ती होती है वही वाली। मतलब आपने वो रखे थे या ऐसे ही कहीं? नहीं नहीं, ऐसे आए। क्या भाव बिकता है ये? 13,400, यानी 130 रुपए किलो। हाँ। और कितना समय लगा आपको ये इकट्ठा करने में? 4 दिन लगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब की पत्ती कहाँ से? अपने खेत में लगा रखी थी कि कैसे, क्या है? नहीं, लगा रखी खेत में। पौधा होता है, उसके ऊपर से फूल आते हैं, तोड़ के ना छिया में सुखाते हैं और यहाँ लेके आए। ये 27,500 रुपया कुंटल, यानी 270 रुपए किलो। हाँ, ये इसके बीट है, ये अलग बिका 22.5 रुपए किलो। राम राम भैया, क्या चीज है ये? नागर मोदा। ये कहाँ से मिलता है? नदी में खोद के। मतलब जड़े है ये तो? हाँ। क्या भाव बिकी ये? 5,000। कितना समय लगा ये इकट्ठा करने में? 10 दिन। ये गुड़बेल है सर, नीम गड़ा और गुड़बेल। अच्छा, नीम गिलो है। हाँ। कहाँ मिलती है, कहाँ लगती है? ये बागरों में लगती है, जैसे झाड़ों में, बागरों में, ऐसे पेड़ों में लपेट रहती है। क्या भाव बिकती है? 25 रुपए किलो। हाँ। दिन भर में कितनी होती है? बागरों से इकट्ठी करनी पड़ती है, इतनी इतनी बेले काटते, छोटी छोटी करनी पड़ती। अरे बाबा, क्या अतरंगी सी चीज लेके आ गई है? ये हिंगोजा, हिंगोजा बोलते हैं, साबुन बनता है ये। ये कहाँ लगता है ये? पेड़ के। कैसे तोड़ा इनको? शेरड़ी से। ये कितने पौधों का होगा सारा? ये 4-5 का। और क्या भाव बिकता है ये? ये 900 का बिका। मतलब 9 रुपए किलो। धन्यवाद। ये हेमरे के फूल है, ये हमारे काकड़ में है, खेत की मेज पर भी होते हैं। ये लगभग हमें 2.5-3 घंटे लगे। 3 घंटे में ये इतना बोरा आपने इकट्ठा कर लिया? इकट्ठा कर लिया। अच्छा अच्छा, और क्या भाव बिका है? ये 5,600 लगभग होगा ना, 50 के लगभग होगा। 50 किलो, मतलब 2,500 रुपए का पूरा बोरा हो गया है 3 घंटे में। क्या बात है। ये खागरा का फूल है, खागरा का। अच्छा, पलाश भी बोलते हैं इसको, पलाश के फूल। पलाश के फूल और खागरा भी बोलते हैं, जो ऐसे गांव देहात में कहीं भी झाड़ में लगते हैं। उसकी पतले भी बनती है, पत्तल धोने बनते थे पुराने समय में। दोस्तों आपने ये पत्ती देख रहे हैं, इस टाइप की पत्ती के वो पत्तल धोने बनते थे पुराने टाइम में। और ये क्या फूल होते हैं उसके? फूल है। ये क्या बिकता है? ये 2100 रुपए बिका है, मतलब 21 रुपए किलो। दादा, ये इन कट्टों में क्या लेके आ गए आप? इसको ये बोलते हैं गुबार। गुबार कहाँ लगती है? ये ऊपर गोल पर लगती है, माथे के होंगे। और क्या भाव बिकती है? 10-15 रुपया किलो होगी। क्या बात है, ऊपर साइड के तोड़नी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा है, अच्छी जमीन होती है, उसमें पैदा होती है। इसमें जो पाउडर वाला माल होता है ना, हाँ, माल वो 40,000 के आसपास बिकता है। मतलब यानी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो इसका बीज बिकता है, इसके ऊपर पाली बिकती है और ये बिकता है। इसका तीनों चीज बिकती है, मतलब पूरा पौधा ही बिकता है। हाँ, पूरा पौधा। और इसकी पाली क्या भाव बिकती है? पाली बिकी 10 रुपए किलो। दादा, ये केसर जैसी क्या चीज लेके आ गए? कुसुम बोलते हैं इसको। कुसुम? हाँ। डोड़ा बनता, डोड़ा के ऊपर फूल आते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के निकालते हैं। एक एक दो दो। हाँ, बस इतनी का बता रहे। 1,00,000 1,00,000 रुपए क्विंटल। 1,000, 1,100, 1,200 रुपए किलो। हाँ ठीक है साहब, धन्यवाद। दोस्तों